कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह मेटल बाजार की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। मेटल बाजारों में एलएमई एमसीएक्स में किस तरीके से कामकाज होगा, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है आज एलएमई का बाजार बंद है, तो एमसीएक्स के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली मेटल बाजार में क्या स्थिति है, दिल्ली मेटल बाजार के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मुंबई मेटल बाजारों में क्या स्थिति है इसकी जानकारी, और मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं, इसकी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो आपको जब भी हमारे यहाँ से आपको वीडियो पुश किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां पर प्रॉपर रूप से उसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एमसीएक्स के बाजारों में। कापर के बाजारों में कल दिन भर उतार चढ़ाव रहा, लेकिन जब बाजार जब बंद हुआ तो बाजार 733.65 हल्की सी नरमी के साथ बाजार बंद हुआ एमसीएक्स का। एल्यूमिनियम के बाजार भी बढ़त थी दिन के बाजारों में, लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो 201.80 पे बाजार बंद हुआ। लेड का बाजार 189.80 रहा, जिंक का बाजार 23.35। सोने चांदी की अगर बात करेंगे, सोने चांदी में एक दिन पहले जो जबरदस्त गिरावट देखी गई थी उसने सारी गिरावट को कवर किया और बाजारों में 58,000 से सीधे 59,000 रुपए गोल्ड का भाव होता हुआ दिखाई दिया। सिल्वर में भी इसी तरीके 70,000 रुपए का जो भाव एक दिन पहले जब बिका था 72,165 रुपए हो गया। क्रूड ऑयल का बाजार 7,544 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो क्रूड ऑयल में लगातार तेजी जारी है। बात कर लेते हैं दिल्ली मेटल बाजार में क्या स्थिति है। दिल्ली मेटल बाजार में अगर कॉपर सुपर एचडी की बात करें तो 778 रुपए का भाव रहा। कॉपर आर्मेचर का बाजार 736 रुपए, एल्युमिनियम बर्तन का बाजार 174 रुपए, एल्युमिनियम वायर स्क्रैप का बाजार 199 रुपए रहा, एल्युमिनियम पुर्जा का बाजार 156 रुपए, जिंक हिंदुस्तान का बाजार 232 रुपए। लेड की अगर बात करेंगे तो 186 रुपए, एलईबीटी का बाजार 203.50, बैटरी स्क्रैप का बाजार 103 से 123 रुपए के बीच में कामकाज हुआ, निकल का बाजार 173 रुपए। निकल का बाजार अगर बात करेंगे, निकल के बाजारों की अगर बात करेंगे तो निकल का बाजार 1735 रुपए के आसपास कामकाज किया, वहीं पीतल का बाजार 495 रुपए रहा। अगर टिन रागा की बात करेंगे तो 2250 रुपए, एसएस बर्तन स्क्रैप का बाजार 65 रुपए रहा। तो सभी आप देखेंगे दिल्ली मेटल बाजारों में एक जबरदस्त तेजी देखी गई है। जो एलएमई में एमसीएक्स में तेजी आई थी उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं मुंबई मेटल बाजार की क्या स्थिति है। मुंबई मेटल बाजार में कापर केबल स्क्रैप का बाजार 722 रुपए, कापर आर्मेचर 697 रुपए रहा, वहीं ब्रास स्क्रैप का बाजार 480 रुपए, एल्युमिनियम यूटेंसिल स्क्रैप का बाजार 172 रुपए, जिंक इंगट 227 रुपए, टिन इंगट 2200 रुपए, निकल का थोड़ 1728 रुपए पे कामकाज हुआ। चलिए बात कर लेते हैं कापर लेड जिंक में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो कापर का अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो कापर का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 733 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 741 रुपए, लेड का सपोर्ट का लेवल 185 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 187 रुपए, जिंक का सपोर्ट का लेवल 228 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 235 रुपए। तो ओवरऑल आउटलुक आप देख के चल सकते हैं, जो मार्केट का जो ट्रेंड है ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करिए, बाजारों में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी उतार चढ़ाव फिलहाल बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। बाजारों में निचले स्तर पर खरीदारी करिए और ऊपरी स्तर पर मुनाफा बुक करके चल सकते हैं। और अगर आप लोग मॉर्निंग 9:30 शो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड जानना चाहते हैं, तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।